नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद पिंकी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कुलचे। तो इसके लिए चाहिए हमें 2 कप मैदा, 4 स्पून घी, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 स्पून बेकिंग सोडा, 1 स्पून साल्ट, 1 स्पून चीनी, 4 स्पून दही एंड 1 ग्लास वाटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैदा, इसको छान लेते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, और इसको सबसे पहले हम छान लेते हैं। उसके बाद हम डाल लेते हैं चीनी, घी, दही, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये सब कुछ मिक्स किया और आटा डो बनाया और इसको तैयार हो गया, नहीं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है ऐसे। ये देखो, हमने एक ग्लास तो देखिए, हमने ये एक ग्लास पानी लिया था और इसमें से भी आधे से थोड़ा सा ज्यादा बच गया है, मतलब आधा ग्लास पानी आपका लग जाएगा 2 कप मैदा में। अब इसको स्क्रैच करना है थोड़ा सा, ये पाम से, यहाँ से नहीं, पाम ऐसे, इसको एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए, एक सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये जैसे हमने फिंगर को नीचे किया और ये आटा ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत सॉफ्ट तैयार आटा हो चुका है। अब क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेके तो अब क्या करना है, इसको करते हैं एक साइड। एक बाउल लेते हैं, उसमें इस आटे को रखते हैं और एक गीला कपड़ा लेके इसको ढक के आधा घंटे के लिए रख देते हैं और फिर हम बनाएंगे इसके कुलचे। तो कुलचे की तैयारी हम कर चुके हैं, अब उसके साथ हमें बनाने छोले। तो छोले के लिए हमें क्या करना है, ये हमने 1.5 बाउल छोले लिए हैं जो रात को हमने भिगो के रख दिए थे और सुबह हमने 1 विसल लगा के कुकर में और इनको 15 मिनट के लिए रख दिया था गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए। और ये देखिए, अब हमारे ये बॉईल हो चुके हैं एकदम सॉफ्ट। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सामान लेना है, ये 2 ऑनियन, 2 टमाटो, 2 लेमन, 1 चिल्ली, छोटी 2 चिल्ली ले सकते हो, बड़ी है तो 1 ले लो, थोड़ा सा धनिया, ये 1 स्पून नमक, 2 स्पून धनिया, 1/2 स्पून लाल मिर्ची, 1/2 स्पून गरम मसाला, 2 स्पून अमचूर।
तो अब शुरू करते हैं हम ये ऑनियन ये चॉप सब कुछ चॉप करके रख लेते हैं और फिर रेडी करते हैं। तो हमने सारे ये ऑनियन टमाटो चिली धनिया ये लेमन सब कुछ कट करके रेडी कर लिया है और हम तैयार करते हैं। तो अब सबसे पहले ये बॉयल छोले हम डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको मैश करना है, ऐसे अच्छे से मैश करना है। और अगर आपको लगे कि पानी ज्यादा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये टमाटो और ये सब कुछ मिक्स होने के बाद में एक थी कि छोले बन जाएंगे। ये अच्छे से मैश कर लूं। तो अब हम गैस चला लेते हैं। अब इसके अंदर डालना है हमें ऑनियन। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। और अब इसको मिक्स करना है। अब इसमें डालना है 1 स्पून भुना जीरा पाउडर। मिक्स हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पानी चला के इसको थिकी बना लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। तो आप देखिए ये 5 मिनट हो चुके हैं बॉइल होते हुए और ये देखो काफी थिकी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 स्पून डालना है छोले मसाला। आपको डाल सकते हमें डालना है, इसको मिक्स करना है। और अब हमें डालना है धनिया। एंड रेडी छोले इज रेडी। और टर्न ऑफ द गैस। हमारा आटा तैयार हो चुका है। ये देखिए अब कपड़ा हटा लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम कुलचा बनाने के लिए आटा डो ले लेते हैं। इसमें से वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप छोटा बड़ा। ये देखिए इसको बेल लेते हैं। इस पे थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ लगा लेते हैं। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा पानी, और इसको बेल लेते हैं। इसको ना ज्यादा मोटा बेलना है ना ज्यादा पतला। इसको लंबी शेप में भी बना सकते हैं, इसको गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा इसको बना सकते हैं। इधर चला लेते हैं।
गैस हमने चला लिया है, तवा रख दिया है। अब इसका टेम्परेचर तेज ना हो इसलिए इस पे थोड़ा सा पानी डालना है। इसको एक कपड़े से इसे पोंछना है जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब क्या करना है, अब इस कुलचे को इसमें डालना है ऐसे। कुलचे को तवे पे डाल दिया है और अब क्या करना है, ये थोड़ा सा पानी लेके इसके साइड में डालना है और इसको एक लेट से ढक देना है। अब इसके अंदर भाप बन जाएगी और जिससे ये सॉफ्ट और स्पंजी फूल के तैयार हो जाएगा। अब इसको पलटना है, ये देखिए, और इसके चारों तरफ फिर से पानी डालना है। ये दूसरा भी इस तरह से बेल के तैयार कर लेते हैं। और अभी हमारा ये कुलचा रेडी हो चुका है, ये देखिए, देखिए बिल्कुल रेडी। अब हमें क्या करना है, ऐसे हम बना के रख भी सकते हैं, जैसे हमें कल बनाने हैं और आज हम बना के आधा कच्चे थोड़ा सा इनको रख सकते हैं। और हमें अगर खाने हैं जैसे हम बाहर से लाते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर ये तवे पे डालना है और इसके ऊपर लगाना है घी, घी या बटर जो भी आपको पसंद है, या आप बिना घी के भी इसको खा सकते हैं। कुलचा हमारा बन चुका है, कुलचे इज रेडी। ये कुलचे और ये देखिए, ये गार्निश के लिए थोड़ी सी रख दीजिए अदरक। छोले कुलचे इज रेडी। खाइए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे ये छोले कुलचे।